लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार मुरादाबाद पहुंचे प्रभारी मंत्री ने रामगंगा के किनारे फैली गंदगी के लिए सफाई अभियान चलाया और खुद अपने हाथों से फैली गंदगी को इकट्ठा करके सफाई की। इस दौरान स्थानीय प्रशासन और स्थानीय भाजपा नेता ने भी इस अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने इस कार्य के लिए प्रशासन को बधाई भी दी, साथ ही नदी के किनारे कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। मुख्य रूप से आज मैं यहाँ पर जो प्राकृतिक आपदा के तहत भोजराम नामक एक किसान की मृत्यु बिजली गिरने से हो गई थी और दो बहनें घायल हुई थी, एक शबनम एक राखी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार ऐसे सभी जिलों में उत्तर प्रदेश के जहाँ कहीं भी तेज आंधी आई या बिजली गिरने से कोई भी व्यक्ति मरा मृत्यु हुई है, उनको सबके दृष्टि से सभी प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिया गया कि अपने अपने जिलों में जा कर के वहाँ पर देखें और उनको जो लाभ मिलना चाहिए सरकार की तरफ से सहायता राशि मिलनी चाहिए वो समय पर मिल जाए। तो बहुत खुशी की बात है कि 24 घंटे के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोई भी प्राकृतिक आपदा के तहत अगर किसी को जन की हानि या धन की हानि किसी प्रकार की हानि होती है तो 24 घंटे के अंदर सरकार उसको सहायता राशि उपलब्ध कराती है। हमारे मुरादाबाद के जिलाधिकारी 24 घंटे के अंदर भोजराम के घर पर जाकर के 4 लाख रुपए उनके खाते में तत्काल भेजने का काम किया है। आज हम लोग उनके गांव भी गए थे, गांव में लोगों से मिल करके आए हैं। जो किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत उनको लाभ मिलना चाहिए उसके लिए भी यहाँ पर निर्देश कर दिया गया है, जल्दी से जल्दी उसके सारी कार्रवाई पूरी करके 5 लाख रुपए और उनके खाते में पहुंच जाएगा। इस तरीके से 9 लाख रुपए कुल उस किसान को